please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया पर अपना फेवरेट डिबेट शो हम तो पूछेंगे। देश की सबसे बड़ी अदालत ने दिल्ली में रहने वालों की फिक्र करते हुए 9 अक्टूबर को जो फैसला लिया था उस पर आज ढील देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने 31 अक्टूबर तक के लिए दिल्ली और NCR में पटाखों की बिक्री पर रोक लगाई थी और वो रोक लगी रहेगी। इसका मकसद सिर्फ ये देखना है कि दिवाली के फौरन बाद दिल्ली वालों को सांस लेने लायक हवा मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, क्योंकि बीते कई साल का इतिहास बताता है कि दिवाली में जलने वाले पटाखों का जहर जानलेवा बीमारियों की सौगात देता है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला समाज के हित में है, जनता के हित में है, मानवता के हित में है, लेकिन इस फैसले पर खास तबके की जैसी प्रतिक्रिया हुई वो शर्मसार करने वाली है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट हमें ये सिखा रहा है कि बदलते वक्त में बुजुर्गों की, खुद की और आने वाली पीढ़ी की परवाह कैसे करें, तो दूसरी तरफ जो धर्म इंसान को बेहतर जीवन जीने के तरीके के बताए गए हैं उसी की दुहाई देकर चेतन भगत जैसे लेखक, तथागत रॉय जैसे राजनेता, उद्धव और राज ठाकरे जैसे बड़े महाराष्ट्र के नेता जो सीधे भगवा परिवार के समर्थक माने जाते हैं, इस मामले को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। इन कोशिशों से सुप्रीम कोर्ट आहत हुआ है और जस्टिस AK सीकरी को यहां तक कहना पड़ा कि वो भी किसी के कम धार्मिक किसी से नहीं है। ऐसे में कुछ बड़े सवाल आज खड़े होते हैं जो इस डिबेट में हम पूछना चाहेंगे। हम तो पूछेंगे कि क्या हमारी ही भलाई के लिए गए इस फैसले की अदालत की मंशा पर चोट पहुंचाना धर्म और संस्कार क्या हो सकता है। हम आज ये भी पूछेंगे कि प्रदूषण रोकने में सरकारी नाकामी की सजा पटाखा प्रेमियों को मिली है। हम आज ये भी पूछेंगे कि क्या सियासी फायदे के लिए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर चुप्पी साधी हुई, आखिरकार क्यों सरकार अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर रही है। इसी मुद्दे पर बड़ी बहस करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहुत साफ है कि ये दीपावली है, धमाकावली नहीं है। बड़े पैनल के साथ बड़ी चर्चा, लेकिन पहले दिन भर का घटनाक्रम। पटाखा कारोबारियों का गुस्सा, ये कानून है तुम्हारे सत्यानाश है, जेवर गिरवी रख के माल खरीदा हुआ, कैसे बेचेंगे माल को बताइए आप हमें। दिवाली 19 तारीख की है तो 1 नवंबर को हम क्या करेंगे, लेके उसको। जय श्री राम, जय श्री राम। परंपरा पर चोट मानने वालों की धमकी, पटाखों में लगा गया हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी, हम इस देश के वासी जो है आप पर पूरा विश्वास करते हैं, लेकिन आप ही की ओर से अगर इस तुष्टिकरण की नीति जैसे फैसले आएंगे तो हम मजबूर हो जाएंगे कि हम आपको भी दरकिनार कर दें। और फिर से ध्यान कर लीजिए, हम हिंदू महासभा ही हैं, हम गोडसे को मानने वाले लोग हैं, हम फिर से इस बात को कहना चाहते हैं, हमारी टॉलरेंस को, हमारी सहिष्णुता को जो है उस अंजाम तक मत परीक्षा लीजिए जिस अंजाम तक आपने गोडसे के लिए। और सुप्रीम कोर्ट की भावना और नियत की अनदेखी कर मामले को अलग रंग देने की कोशिश। हम तो पूछेंगे में बड़ी बहस, दीपावली है धमाकावली नहीं। देश की सबसे बड़ी अदालत ने हर जाति धर्म से ऊपर उठकर केवल इंसान की सेहत को ध्यान में रखकर बतौर प्रयोग एक फैसला सुनाया। बीमारियों की वजह प्रदूषण को काबू में करने के लिए दिल्ली NCR में पटाखों की बिक्री पर कुछ दिनों के लिए बैन। फैसला दिल्ली के हर शख्स की सेहत पर मंडराते खतरे को टालने के लिए, हर शख्स के माँ बाप और बच्चे को सेहतमंद बनाने के लिए। लेकिन घिनौने चश्मे, सांप्रदायिक नजरिए और धर्म से जोड़ने वालों को भला कौन रोक सकता है। हिंदुओं के धर्म की या उत्सवों की परंपराओं की बात आती है तभी ये सब मुद्दे क्यों आते हैं। औरंगजेब के टाइम में, मुगल काल के भी टाइम में
किसी ने हमारी आतिशबाजी में प्रतिबंध लगा करके हमारी हिंदुओं की जो धार्मिक भावना है 25 संविधान के अनुसार मिली हुई है कि हिंदू अपना त्यौहार कैसे मना सकते हैं, और 26 खा जिसमें यह अधिकार है कि हिंदू संगठन अपने त्यौहार कैसे मना सकते हैं, ये तय करने का अधिकार हिंदू संगठनों का है। मगर यहाँ पर खुलेआम कायदे कानून नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। साफ है इस मामले को धार्मिक रंग दिया जा रहा है। कोर्ट का ध्यान वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने जब इस तरफ खींचा तो सुप्रीम कोर्ट आहत नजर आया। जस्टिस एके सीकरी ने कहा कि हमें पता है कि दीपावली पटाखा मुक्त नहीं होने वाली, लोग पटाखे जलाएंगे, अगर हम अपने आदेश में बदलाव करते हैं तो ये आदेश की आत्मा के खिलाफ होगा। हमें पीड़ा है कि कुछ लोग इसे सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ लोग राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। सबको पता है कि मैं कितना धार्मिक हूँ। इस टीस के बावजूद जस्टिस सीकरी ने पटाखे बेचने के लिए कुछ घंटे की मांगी जा रही छूट देने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हमने पटाखों की बिक्री पर बैन लगाया है लेकिन जलाने पर नहीं। जिन्होंने आदेश आने से पहले पटाखे खरीदे हैं वो जला सकते हैं। लेकिन फैसले के फौरन बाद चेतन भगत ने जो शुरुआत यह लिखकर की कि दिवाली पर पटाखों पर पाबंदी, क्रिसमस पर क्रिसमस ट्री और बकरीद पर बकरे पर पाबंदी जैसा है, पाबंदी ना लगाएं, परंपराओं का सम्मान करें, उसे अब धर्म के ठेकेदार अपने अपने अंदाज में आगे बढ़ा रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय का ये का इस तरीके का जो आदेश है वो देश की जो लार्जेस्ट कम्युनिटी का सबसे बड़ा पर्व है दीपावली महापर्व, उसके ऊपर है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी थोड़े दिन पहले जब ईद उल जिहा के ऊपर पब्लिक प्लेस के ऊपर जो स्लॉटिंग करी जाती है जब उसके ऊपर पिटीशन लगाई थी तो एंटरटेन करने से मना कर दिया था। लेकिन ये मामला हिंदू संप्रदाय से जुड़ा हुआ था इसलिए जब ये पिटीशन दाखिल करी गई तो उन्होंने इस पर जो है एक ब्लैंकेट ऑर्डर दे दिया। हम तो पूछेंगे कि क्या पटाखों पर सुप्रीम कोर्ट का विरोध सांप्रदायिक सोच है? आपने उन तस्वीरों को देखा, उन चेहरों को देखा, उन चेहरों में से एक हमारे साथ है जो जिस पर सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि सांप्रदायिक सोच से मैं आहत हुआ हूं। जी हां, उनसे हम बात करेंगे। लेकिन मैं आज का सवाल एक बार दोहरा दूं कि क्या पटाखों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध करना सांप्रदायिक सोच है? अगर आपका जवाब हां है तो HTP देकर Y लिखिए, नहीं के लिए HTP देकर N लिखिए और अपने जवाब हमको 51818 पर आप SMS कर सकते हैं। #HTP और #पटाखों पर सियासी प्रदूषण, इसके जरिए भी फेसबुक पेज पर और ट्विटर पर जाकर अपनी राय आप हमको भेज सकते हैं। मेहमानों का परिचय कराते हैं। मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में अजय गौतम साहब है जो कि संस्थापक हैं हम हिंदू के और पुरजोर तरीके से पटाखा चलाना चाहते हैं। मेरे साथ मौलाना साजिद रशीदी जी हैं जो कि प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया इमाम काउंसिल के, इमाम एसोसिएशन के। आप पटाखे के चलाए जाने के विरोध में हैं हमारे साथ, और जो लोग बाहर से जुड़े उनका परिचय कराऊं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता RP सिंह जी, वारिस पठान MIM के नेता प्रवक्ता मेरे साथ इस वक्त मुंबई से हैं। रत्नेश कुमार जी भी हैं जो कि फायर क्रिकर्स ट्रेडर्स के तरफ से हमारे साथ यहाँ पर डिबेट में शामिल हो रहे हैं, और साथ में इला हैं जो कि इला हाउ टू प्रोनाउंस योर सरनेम, स्मिटचेक, इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, पर्यावरणविद हैं, और साथ में मेरे साथ कुछ और मेहमान जुड़ेंगे इस डिबेट में, उनका परिचय मैं आगे भी कराता रहूँगा। लेकिन मेरा पहला सवाल और सीधा सवाल उन लोगों से जिनसे सुप्रीम कोर्ट भी क्षुब्ध है, जस्टिस सीकरी ने अपने कमेंट में कहा, अजय गौतम जी आप जैसे लोगों के बारे में कि आप सांप्रदायिक हैं, एक फैसला लिया गया जो सेहत को ध्यान में रख के लिया गया, आप उस सेहत को सांप्रदायिकता का रंग देकर हिंदुस्तान के एक तबके को भड़काना चाहते हैं, उकसाना चाहते हैं ताकि आपकी सियासी रोटियां पक सकें। देखिए, जो सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया एक ब्लैंकेट ऑर्डर, ठीक है, कि पटाखे दिल्ली में नहीं बिकेंगे। करेक्ट करता हूं, ब्लैंकेट ऑर्डर नहीं है, टेम्परेरी है, एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर है और 31 अक्टूबर तक है। सवाल 31 अक्टूबर के बाद यही पटाखा विक्रेता जिनका रिप्रेजेंट रत्नेश जी कर रहे हैं वो पटाखे बेच सकते हैं। सवाल ये है, सुप्रीम कोर्ट ने एक बारी बाल ठाकरे साहब का विरोध करने के चक्कर में एक लड़की को 4 घंटे के लिए डिटेन किया और उस चीज में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 32 में कॉग्निजेंस लेके महाराष्ट्र गवर्नमेंट को सन नोटिस कर दिया कि आपने 4 घंटे की डिटेंशन क्यों करी। सर, हजारों परिवार
जिन्होंने पटाखे में पैसे इन्वेस्ट करे हैं, जो कारोबारी हैं, हजारों परिवार, उन लोगों का तो आप सोचिए जिसने पैसा ब्याज पे तो सरकार से बोलिए ना। अरे आरपी सिंह बैठे सरकार से बोलिए ना सर, सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने लाइसेंस बांटे थे सर, सुन तो सुप्रीम कोर्ट ने लाइसेंस बांटे थे सुप्रीम कोर्ट लगा हुआ था सर, बैन लगा हुआ था, मुझे बैन लगा हुआ था, लगा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लाइसेंस बांटो, सुप्रीम ने मुझे आंसर आंसर भी सर आंसर भी सुप्रीम कोर्ट ने लाइसेंस सुप्रीम कोर्ट ने के बैन लिफ्ट करने के बाद ही ऑर्डर लाइसेंस रिन्यू हुए हैं, उससे पहले लाइसेंस सस्पेंडेड था सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद। आज कोर्ट ने क्या कहा, मैं 31 तारीख को बेचिए पटाखे, कौन खरीदेगा? आप कह रहे हैं, आप कह रहे हो होली के बाद रंग खरीद लीजिए, अभी आपने कहा दिवाली के बाद मिठाई, आपने कहा पटाखे चलते गुरुपर्व पे चलते, दशहरे के बाद रावण का पुतला बिकता है क्या, होली के बाद रंग बिकता है? अरे पिछले डिबेट में आप बोल के गए 9 तारीख को मेरे साथ इस शो में कि क्रिसमस के पटाखे प्रदूषण नहीं होता है, हजारों बच्चे प्रदूषण होगा, उनके आंसू रोएंगे सर, जिनके परिवारों ने पैसा लगाया पटाखे, स्कूल के बच्चे प्लेज ले रहे हैं, नो टू क्रैकर्स बोल रहे हैं, उनकी लिवलीहुड भड़का रहे, उनकी जीविका पे संकट आ गया, उनके जीवन के सामने कैसा संकट खड़ा हो गया की तारीख में, वो अपना पैसा कैसे चुकाएंगे, कैसे ईएमआई भरेंगे, कैसे जो उन्होंने ट्रेड के अंदर उन्होंने जो स्टॉक करा उसको कैसे निकालेंगे सर? अरे तो ये सरदर्द सुप्रीम कोर्ट का है सर, अगर अगर मेरा बच्चा सांस नहीं ले पाता है, उसको दिक्कत है, कौन इलाज कराएगा? अजय गौतम कराएंगे, उद्धव ठाकरे कराएंगे, संवैधानिक अधिकार है, आर्टिकल 9 आर्टिकल 9 जो इस बार लाइसेंस लेती है सरकार के दिए हुए लाइसेंस पर जीएसटी भरा है, जिसमें टैक्स भर के पटाखे लिए बताइए, एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर किया जा रहा है, पहली बार किया गया है सर, दिल्ली में लोगों की जिंदगी पे एक्सपेरिमेंट करोगे आप? क्या बात कर रहे हैं, कितनों की जिंदगी खराब हो गई, कितनों की जिंदगी खराब हो रही है, लोगों के पैसे फंसवा के एक्सपेरिमेंट करेंगे, वो जिंदगी नहीं है, और भी हो सकते हैं, खाली मुझे बताइए लोगों के पैसे फंसवा के सुप्रीम कोर्ट क्या भाई पैसे की इतनी चिंता, आरपी सिंह बैठे हुए हैं, मैं सीधे आरपी सिंह आपके पास आऊंगा, रत्नेश जी मैं आपके आपका दर्द समझता हूँ, नहीं नहीं भारतीय जनता पार्टी की जवाबदेही है, आरपी नुकसान करके एक्सपेरिमेंट नहीं किया जा सकता, एक्सपेरिमेंट बोलिए रत्नेश जी, भारतीय जनता पार्टी से बोलिए कि मदद करें हमारी सर, हम बोलिए बीजेपी से, सरकार आज हम आज सरकार के वकील कोर्ट में क्यों नहीं थे, एजी एसी एसडी कहां थे आज? रत्नेश जी आप गलत जगह अप्लाई कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं किसका दरवाजा खटखटाना चाहिए, किसका दरवाजा खटखटाना चाहिए आपको पता ही नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय का हम सम्मान करते हैं, लेकिन सरकार का काम है, सरकार को रियायत देने की कोशिश करनी चाहिए थी, सरकार को अपने वकील खड़े करने चाहिए थे और वहां जिरह करनी चाहिए थी कि इन व्यापारियों की मदद करिए, आरपी सिंह सर, आरपी सिंह, आरपी सिंह सरकार कहाँ है सर, इसमें बहुत सरकार क्यों चुपी है, भारतीय जनता पार्टी क्यों चुप है, उन्होंने आप कब तक मुंह पे हाथ रख के बैठे रहेंगे, आरपी सिंह निचली अदालत का मुंह नहीं देखा, आरपी सिंह आप कब तक मुंह पे हाथ रख के बैठे रहेंगे, जवाब दीजिए आज आरपी सिंह जी, आप मुझे बोलने का मौका मिलेगा मैं जरूर जवाब देता हूं जी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जितने पंडित अजय जी आहत हैं उतना मैं भी आहत हूं, परंतु आहत इस बात में हूं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक नी जर्क रिएक्शन है, दिल्ली में बैन था वो बैन हटाया गया, उसके बाद वो पटाखे खरीदे गए, अगर बैन था तो बैन कंटिन्यू करते उसको हटाया क्यों गया? दूसरी बात इस पूरे मामले के तीन पक्ष, एक बात बुरी बात बुरी, अरे देखिए दो साफ साफ बोले कोर्ट के अंदर खड़े होकर यही बात सरकारी वकीलों ने क्यों नहीं कही आज, आरपी सिंह मैं बात पूरी कर लूं, आप नहीं, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए, मैं आप ही से पूछ रहा हूं, मैं जवाब दूंगा सारी बात का, अगर मैं अपनी बात पूरी कर लूं, सरकार के वकील कहां थे, एक मिनट उसका जितनी को वक्त का जवाब दे दूंगा, सुमित जी आप से पूछता हूं, एक मिनट बात सुन लीजिए, मुझे बताइए सुप्रीम कोर्ट में सरकार के वकील थे क्या? नहीं थे, एजी एसजी थे, मैं नहीं थे, आरपी सिंह देखिए, आरपी सिंह अगर ये नीचक रिएक्शन है भारतीय जनता पार्टी के मुताबिक, तो इस नीचक रिएक्शन का विरोध करने के लिए सरकार क्यों नहीं आई, जो आप यहां बोल रहे हैं वो कोर्ट में क्यों नहीं बोला जस्टिस सीकरी के सामने? मैं अपनी बात करूं, धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद, बात सुन लीजिए, इस पूरी बात के तीन पक्ष हैं, एक पक्ष है कि प्रदूषण दिल्ली में कम होना चाहिए, उसके कारण से बच्चों का भविष्य, हमारे सबका भविष्य खतरे में है, मैं मानता हूं और उसके पक्ष में हूं कि उसके ऊपर जो कड़े से कड़े कदम लेने चाहिए, उसके कारण से, अरे एक बात सुन लीजिए, अरे हाँ सुन लीजिए ना, अरे सुमित सुमित अवस्थी जी, अगर आपने सीखना है तो मुझे आपसे ऊंचा बोलना आता है, आप सिर्फ टीवी स्टूडियो में बोलना जानते हैं, मैं पब्लिक डोमेन में बोलता हूँ, समझे नहीं, तो ऊंचा मुझे बात बोलिएगा अच्छा रहेगा आपके लिए, आपके मुझे धमका रहे हैं आरपी सिंह, आपके मुझे धमका रहे हैं आरपी सिंह, मुझे बहुत अच्छा, आपके मुझे धमका रहे हैं आरपी सिंह, मैं आहत किस बात से हूँ,
मैं आज किस बात से हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का एक नी जर्क रिएक्शन है, इससे कोई पटाखे दिल्ली में बिकने बंद नहीं हो गए, आज ई बिजनेस से पटाखे बिक रहे हैं, इसलिए कह रहा हूँ। और मैं वापस कहता हूँ प्रदूषण की चिंता होनी चाहिए कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी की, उसके बिक्री पर रोक है, पटाखे की बिक्री पर रोक है और पटाखे अगर बिक रहे हैं तो आपकी पुलिस की नाकामी है, ये गृह मंत्रालय की नाकामी है, ये राजनाथ सिंह की मंत्रालय की नाकामी है, कैसे बिक रहे हैं। और आरपी सिंह आपने एक्सेप्ट कर लिया है लाइव डिबेट में कि आपकी सरकार में आप कोर्ट का आदेश नहीं मनवा सकते, आप एक्सपोज हो गए आरपी सिंह, आज कोर्ट में एक्सपोज हो गए, डिबेट में एक्सपोज हो रहे हैं। अगर दिल्ली में आज ई बिजनेस से पटाखे बिक रहे हैं तो उसको लागू करने का तरीका अच्छा था, कोर्ट कहता है हम नहीं अलाउ करेंगे दीपावली पटाखे की बजाने के लिए, तो वो करते ना कोर्ट। क्या बात कर रहे हैं आरपी सिंह, आपके पास पुलिस है, आप कहते हैं बड़े बड़े चीजों को सुलझा लेते हैं, एक पटाखे वाले को बेचने से नहीं रोक सकते आप, सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना करते हैं खुलेआम, आपको उसकी चिंता करने की जरूरत है, उसके लिए कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बनाने की जरूरत है। कौन बनाएगा पॉलिसी, किसकी गवर्नमेंट पॉलिसी बनाने की जरूरत है, आरपी सिंह एक साल से बहस चल रही है, पॉलिसी बनाना किसका काम है, मेरा काम है कि आपका काम है, आज तय कर लेते हैं इस डिबेट में, आज इस डिबेट में तय करते हैं आरपी सिंह, पॉलिसी बनाना किसका काम है, मेरा काम है कि आपका काम है, बता दीजिए आज दिल्ली में जो कंस्ट्रक्शन से पॉल्यूशन है उस पर रिएक्शन नहीं है, क्या आरपी सिंह कैसी बात कर रहे हैं आप, आरपी सिंह आपकी लाइन ही क्लियर नहीं है और यही दिखाता है सरकार की नाकामी इस पूरे मामले में। ये दिल्ली सरकार की पॉलिसी है, उसमें इला को डिबेट में लेके आना चाहता हूँ, पर्यावरण भी है इला, मैं आपसे जानना चाहता हूँ क्या दिल्ली की सिचुएशन ऐसी है, और जो बात आरपी सिंह कह रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन की वजह से वेकुलर पॉल्यूशन की वजह से वो फैक्टर्स ज्यादा बढ़े, पटाखे को चलने देना चाहिए था। मैंने नहीं कहा ये चलने देना चाहिए, बिल्कुल आप आपने कहा, अभी आपने कहा कि निजक रिएक्शन है, आप आहत है, अरे क्यों डरते हैं आरपी सिंह, आरपी सिंह एक नाव पे चढ़ो दो नाव पे जाओगे तो कहीं कहीं नहीं रहोगे, निजक रिएक्शन है, सलाह दे रहा हूं मैं, करना है तो पटाखे पर बजाने पर बैन करें, चलिए ठीक है अजय गौतम, चलाने पर बैन करें, आई वांट टू नो फ्रॉम यू पहले आप पर्यावरण में ये निजक रिएक्शन है, दूसरी बात सुनिए, नहीं आरपी सिंह आपने बोल दिया, बहुत सुन लीजिए आरपी सिंह आपने बहुत बोल दिया, इला की बारी है, मैं आऊंगा आपके पास आगे, आपकी बात सही है, डीजल पोल्यूशन पेट्रोल पोल्यूशन ये सारी चीजें ऑब्वियसली पोल्यूशन को बढ़ाती हैं, पर क्या आप ये कह रहे हैं कि पटाखों से बिल्कुल पोल्यूशन नहीं बढ़ती है, क्या आप कह रहे हैं कि पिछले साल की जो स्थिति थी क्या वो सिर्फ और सिर्फ गाड़ियों की वजह से थी, क्रॉप बर्निंग की वजह से थी, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि सिर्फ धूल था, क्या आप कह रहे हैं कि पटाखों का कोई इसमें रोल नहीं था, 3% तो मैं कह रहा हूँ कि नहीं, मैं तो कह रहा हूँ पटाखे पे पूरा प्रतिबंध कर दे पूरे साल का, बिल्कुल नहीं चलेगा, अरे यही तो पॉलिसी की बात है ना आरपी सिंह, ये पॉलिसी आपकी सरकार को बनानी है, सरकार का काम, अरे आपकी तो सरकारें कह रही हैं, मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री ने कहा दिल्ली के लोगों आओ भोपाल में पटाखे चलाओ हम तुमको पटाखे देंगे, ये ऐसे काम होगा, जो जो हवा का प्रदूषण करती है पटाखों का प्रदूषण में परसेंटेज क्या है ये बता दीजिए, ये सिलेक्टिव क्यों करना, और एकदम सिंह साहब एक मिनट, सिंह साहब आरपी सिंह साहब एक सेकंड, क्यों करना इलाजी आपकी स्टडी के हिसाब से पटाखों का क्या कंट्रीब्यूशन है प्रदूषण में दिवाली पे ये बता मलिक, और बाकी के 364 दिन दिल्ली के जो शहरी है प्रिया मलिक, PM2.5 प्रिया मलिक भी विरोध कर रही है, प्रिया मलिक को डिबेट में लेकर चाहूंगा, नॉर्वे की तरह इंग्लैंड की तरह हॉलैंड की तरह स्विट्जरलैंड की तरह बता दीजिए, प्रिया मलिक रिस्पॉन्ड टू दिस, प्रिया मलिक जी ऑब्वियसली एयर पोल्यूशन के काफ़ी कारण हैं, स्पेशली अगर हम दिल्ली की बात करें तो क्रॉप बर्निंग भी एक कारण है, ट्रक्स से जो एमिशन होता है वो भी एक कारण है, लेकिन यहाँ बैठ के कोई ये नहीं कह सकता कि पटाखे कारण नहीं हैं, और इस पूरे एनवायरमेंटल इश्यू को एक कॉम्यूनल एक रिलीजन का एंगल देना सरासर गलत है, और वही सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है, 1920 में शुरू हुए हैं पटाखे हमारी कंट्री में, एक नादर ब्रदर्स नाम की फैक्ट्री थी जिन्होंने शिवकाशी में अपनी फैक्ट्री डाली थी, गलत कह रही है, 1655 में तो औरंगजेब ने पटाखे बैन किए थे, 1655 में हुआ था ना, 1600 भगवान राम लौटे थे सतयुग में तब पटाखे चलाने क्या, किसने कहा, किसने कहा, किसने कहा, अरे बताओ मिस्टेक कर रहे हैं, बहुत मिस्टेक करते हैं, अजय गौतम, देवता, अजय गौतम मिस्टेक कर रहे हैं, पुष्प बरसा रहे थे,
पुष्प के साथ में रंग बिरंगी रोशनी बरसी थी या नहीं? पुष्प मतलब क्या होता है? रंग बिरंगी रोशनी बरसी थी या नहीं? ऐसे मिसलीड करेंगे, यहीं पे आपके बच्चों को बलना है। 1667 इसी दिवाली के धुएं में आपके बच्चों को बलना है। 1667 में अंग्रेज अजय गौतम, आप जैसे लोगों की वजह से कोर्ट को कहना पड़ा, इस मामले को कम्युनल किया जा रहा है। ये दीपावली है, पटाखावली नहीं है। इसी मुद्दे पर हमारी बड़ी बहस जारी है और मैं सीधे चलूंगा अपने तमाम मेहमानों के पास। वारिस पठान और रशीदी साहब मेरे साथ हैं जो पिछले सेगमेंट में नहीं आ पाए। वारिस पठान, ये जो लोग पटाखा चलाने की पैरोकारी कर सामने आए हैं और उसको संप्रदाय से जोड़कर देख रहे हैं, इसको हिंदू बना मुसलमान की लड़ाई कर रहे हैं, बकरीद की बात कर रहे हैं, दुजुहा की बात कर रहे हैं, शबे बरात की बात कर रहे हैं, आपको लगता है इसी वजह से जज साहब, क्योंकि आप वकील भी हैं इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इसी वजह से जज साहब नाराज हुए आज? उनको कहना पड़ा कि मैं कितना धार्मिक हूँ मुझे बताने की ज़रूरत नहीं? बिल्कुल सही बात है। देखिए सुमित जी, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो कोई धर्म के आधार पे नहीं दिया है, ना किसी के रिलीजियस सेंटीमेंट को हट करने के लिए दिया है। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है वो दिल्ली के एनवायरनमेंट को देख के आया है, पब्लिक हेल्थ सेफ्टी को देख कर आया है, क्योंकि पिछले साल काफी सालों से देखा यह गया है कि दीपावली के बाद जब ये फायर क्रैकर्स बंद होते थे तो उसके बाद इतना प्रदूषण लेवल बढ़ जाता था कि दिल्ली को वर्ल्ड का सबसे बड़ा पोल्यूटेड सिटी बना दिया था। काफी स्कूलों को बंद करना पड़ा था क्योंकि बच्चों को तकलीफ होती थी स्कूल जाने के लिए, और दिल्ली का पूरा आबो हवा वातावरण खराब हो गया था। तो काफी एनवायरमेंटलिस्ट ने, काफी बच्चों ने, काफी ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट ने इस जजमेंट को सराहा है, कहा है कि सही है फैसला। अब ये जो गुप्ता जैसे लोग हैं, इसको उसको सांप्रदायिक बनाना चाहते हैं, ये हिंदू मुस्लिम कार्ड करना चाहते हैं, ये कहते हैं कि इनको नुकसान हो गया, तो मैं एक चीज इनसे सवाल करना चाहता हूं, ना पॉलिटिक्स करे बिना सुमित जी, कि जब महाराष्ट्र में बीफ बैन लगा दिया था, बीफ पर प्रतिबंध लगा दिया था, तो कितने सारे लोगों को नुकसान हो गया था? जो दलित समाज के हमारे भाई लोग थे जो लेदर का बिजनेस करते थे, उनका तो पूरा बिजनेस ही ठप हो गया था। ये लोग नहीं आए उनके फेवर में बात करने के लिए कि उनको नुकसान हो रहा है, और ये नुकसान तो 1 तारीख से शुरू हो जाएगा, 31 अक्टूबर तक है, तो क्यों सांप्रदायिक बनाने की कोशिश है? अब शबे बरात में क्या नॉइस पोल्यूशन होता है, क्या एयर पोल्यूशन होता है, या मुझे बताइए ईद के दिन क्या नॉइस पोल्यूशन होता है, क्या एयर पोल्यूशन होता है? कुछ भी नहीं, मगर फिर भी लोग सुप्रीम कोर्ट पॉलिटिक्स मुहर्रम के दिन क्या होता है आप मुझे बता दीजिए। सड़कों के ऊपर जब ताजिए का जुलूस निकलता है तब 5 साल से लेके तक की भी चमड़ी उधेड़ी जाती है, किसी दूसरे को पॉल्यूशन पहुंचाता है क्या? शब्बे रात से पूरी रात पटाखे बसते हैं, दूसरे को पहुंचाता है, पूरी रात पटाखे बसते हैं, क्या वो पॉल्यूशन नहीं है? पूरी हवा खराब हो जाती है, 364 सेफ्टी सोचिए लोगों को, अस्थमा होता है, फायर क्रैकर में सल्फर है, सल्फर सल्फर जब बर्न होता है तो लोगों की आंखों में जलन होती है, लोगों के स्वास्थ्य लेने में तकलीफ होती है, सांस लेने में तकलीफ होती है, और सुप्रीम कोर्ट ने सारे रिपोर्ट देखे, सारे रिपोर्ट देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सोची है पटाखा का व्यापार बंद होना चाहिए, और महाराष्ट्र में तो शिवसेना के मिनिस्टर ने कहा पटाखे बताओ। अगर आपको नॉइस पोल्यूशन पे बात करनी है तो मैं उस पर बात, अरे नॉइस पोल्यूशन लाउडस्पीकर से नहीं होता, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन से कि रात को 10 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक में लाउडस्पीकर जिस तरीके से मनाई जाती है, अरे गलत बात है, बकरीद में आप आके देखिए साफ सफाई मेंटेन की जाती है, जैसे कि अजय गौतम बार बार कह रहे हैं, और अगर अजान समय से पहले बजता है लाउडस्पीकर तो उस पर रोक लगनी चाहिए कि नहीं लगनी चाहिए, वो गलत है कि नहीं है कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन? देखिए मैं एक चीज आपको बता दूं,
कोर्ट का जो फैसला है वो अजान पर नहीं है, ये आप देख लीजिए उसको। अजान पे तो आ चुका, लाउडस्पीकर पे तो आ चुका। नहीं नहीं नहीं, सुनिए, अजान पर नहीं है, जो अजान से जुड़ रहे हैं वो उस ध्वनि पर है, उस सिस्टम पर है जो रात को डीजे वगैरह बजते हैं, जो जिससे लोग परेशान होते हैं, जिससे सो नहीं पाते, जिससे एक नॉइस प्रदूषण इतना होता है कि आदमी जो है परेशान हो जाता है उसको लेकर। अजान से तो जोड़ा जा रहा है उसको, ऐसा नहीं है। दूसरी बात मैं आपको एक बता दूं, ये जो धर्म से बार बार उसको जोड़ते हैं, मैं चैलेंज करता हूं पंडित अजय गौतम को, धर्म की किसी एक किताब में ये बता दें कि दीपावली पटाखे जो है उसका हिस्सा है, कोई हिस्सा नहीं है। मैं सच्चाई से के साथ कह रहा हूँ, किसी वेद में, किसी पुराण में, किसी धर्म की किताब में नहीं मिलता। ये दीपावली है, दीपावली जैसे आपने कहा कि ये पटाखावली नहीं है, ये दीपावली है। आप दीप जलाइए, रोशनी कीजिए, जो करने के काम है वो कीजिए। लेकिन इनको असल में क्या है, इनके साथ एक दिक्कत है। दिक्कत ये, इन्होंने एक शोषा छोड़ा था कि भाई सुप्रीम कोर्ट किसी तरह हमारे दबाव में आ जाए, इसको धर्म का एंगल दे दो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो चूंकि पहले से ही नीट एंड क्लीन था, उसने धर्म के आधार पे ये फैसला दिया ही नहीं, तो वो दबाव में नहीं आया। अब ये अपने आप को जो है ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं कि ये हो क्या गया। बहुत ठीक पॉइंट उठाया ये हो क्या गया। रत्नेश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा, आपको लगता है कि आपकी पटाखा विक्रेताओं की लड़ाई को कम्युनल रंग देकर अजय गौतम जैसे लोगों ने मुश्किल खड़ी कर दी आपके लिए? सर, यहाँ पे अजय गौतम जैसों का सवाल नहीं उठता। सवाल उठता है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया वो एक गलत समय पे दिया, या तो उन्हें बैन खोलना नहीं चाहिए था, खोला तो उन्हें बंद नहीं करना चाहिए था। पटाखा विक्रेताओं के साथ जो हुआ वो गलत हुआ, लेकिन मेरी बात सुनिए रत्नेश जी, जो एक सवाल सुनिए रत्नेश जी, रत्नेश जी आप मेरे को बताइए, जो कुछ पटाखा विक्रेता कर रहे हैं बीते चार दिनों से, सुप्रीम कोर्ट के प्रांगण में जाके जो कुछ आज किया, जिस तरीके का ड्रामा, जिस तरह का नाटक, क्या वो जायज था? सर, कुछ लोगों को नहीं रोका जा सकता, लेकिन मेरी बात सुन लीजिए, कानून के दायरे में बात है मेरी। बोलिए बोलिए। मेरा कहने का मतलब है, पूरे साल बहस चली, पिछले साल दिवाली के बाद से आतिशबाजी पर बैन लगा दिया गया, ठीक है, उसके बाद पूरे साल बहस चली, बहस के बाद इन्होंने इस बैन को हटा दिया, हटाने के बाद 25 दिन बाद 20 दिन बाद फिर से खोल दिया गया, ये गलत है, मैं इसके विरोध में हूँ। किसने किया ये काम? ये सुप्रीम कोर्ट ने। बैन किसने हटाया? बैन भी सुप्रीम कोर्ट ने हटाया। फिर किसने लगाया? सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगाया। तो और लाइसेंस किसने दिए थे आपको? लाइसेंस सरकार ने दिए थे। तो किसकी गलती है? सुप्रीम कोर्ट। सरकार क्यों नहीं आपकी भरपाई करेगी? तो इन दोनों का आरपी सिंह को बोलिए ना, व्यापारी बीच में, मैं तो आरपी सिंह को भी बोलूंगा। नहीं, सवाल ये है कि आरपी सिंह सरकार अगर आपकी भरपाई नहीं करेगी तो फिर आरपी सिंह और रत्नेश कुमार ऑन द स्क्रीन, मैं हटता हूं। आप पटाखा कारोबारी हैं और आरपी सिंह आपके सामने सरकार के प्रवक्ता बीजेपी के, पूछे रत्नेश जी क्या पूछना चाहते हैं इनसे? सर, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि क्या व्यापारियों के लिए कोई आजादी नहीं है? सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगाया, सुप्रीम कोर्ट ने खोल दिया, व्यापारियों का पैसा फंस गया, उसके लिए सरकार हमारे लिए क्या कर रही है? बोलिए आरपी सिंह। एक सुमित जी, देखिए, अब मैं जो कह रहा था ना कि सुप्रीम कोर्ट का नी जर्क रिएक्शन है, अगर बैन हटाया तो बैन हटाए रखते या लगाए रखते। आपने एक विंडो दी, उस विंडो में लोगों ने व्यापार करने की कोशिश की, आज वो व्यापारी कहाँ जाएगा? मैं जो इशू है, सरकार का क्या रोल है? सरकार का भी तो रोल बताइए ना, सरकार का भी तो रोल बताइए ना, सरकार उनको क्या देगी व्यापारियों को? आपने लाइसेंस क्यों दिया उनको? आपने लाइसेंस क्यों दिया उनको? नहीं, आपने लाइसेंस क्यों दिया? अश्विनी, यू गॉट अ पॉइंट। एक प्रकार का खिलवाड़ कर दिया लोगों से, पर जो मैं वापस बात कह रहा हूँ, नहीं नहीं, आपको लाइसेंस नहीं देना चाहिए था। आप ये कहते, अरे आप ये कहते कि सुप्रीम कोर्ट का इंतजार कर लो, कहीं ऐसा ना हो आपके साथ धोखा हो जाए। आपने जानबूझकर धोखा दिया व्यापारियों को,
जानबूझकर धोखा दिया है। आप इसको हिंदू मुस्लिम करना चाहते थे, गुजरात में इसका फायदा लेना चाहते थे, गुजरात में इसका फायदा लेना चाहते थे। आपने हजारों व्यापारियों की, आपने हजारों, एक मिनट यार, आप बीजेपी के रशीद जी एक मिनट, आपने हजारों, आपने हजारों अजय गौतम मेरा सवाल आपसे, आप तय कर लीजिए क्या आप हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, क्या व्यापारियों की वकालत कर रहे हैं? सर मैं ये कह रहा हूँ, एक साफ साफ लाइन लीजिए। सर मैं ये कह रहा हूँ सर, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट के जो माननीय न्यायाधीश हैं वो अपने घर में दीपावली पूजन करके मुंह मीठा कर रहे होंगे, उस दिन हजारों व्यापारी जिनका पैसा लगा है, जिनका पैसा ब्लॉक हो गया है, जिनका पैसा हर दिवाली जब से चाइल्ड लेबर, जब से यहाँ पे पटाखे बन रहे हैं भारत में, तब से बच्चों के वजह से बन रहे हैं। चाइल्ड लेबर एक चीज है, एक बच्चा 5 साल का बच्चा घर पे एक किसी बस्ती में टॉक्सिक केमिकल्स के साथ फटाके बना रहा है। सही बात। क्यों? ताकि कोई खरीद के उनको जलाए और सोचे वाव सो ब्यूटीफुल। लेकिन आप मुझे ये बताइए, वो बच्चा कभी स्कूल जा पाएगा क्या? बच्चे को शिक्षा देना किसकी जिम्मेदारी है? बच्चे को शिक्षा देना सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है, जब कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है, आपको यही पता नहीं है? सरकार किस लिए है? सरकार किस लिए है? ये ध्यान आ गया, अगर सारी जिम्मेदारी सरकार किस लिए है? 5 साल का बच्चा स्कूल नहीं जाएगा पटाखे चलाने के चीनी बढ़ा के चलाने के लिए? कौन कह रहा है? 70% बढ़ा के चीनी मिलते हैं, 80% चीनी झूठ है, शिवकाशी भारत का हिस्सा है, व्यापारी बैठे हैं वो बताएंगे, वो व्यापारी बैठे हैं वो बताएंगे कि ज्यादा पटाखे चीन के हैं कि नहीं है, पूछो इनसे। आप सच्चाई से बोलो ज्यादा पटाखे चीन के हैं कि नहीं, आप सच्चाई से बोलो ज्यादा पटाखे हिंदुस्तानी है, ज्यादा पटाखे चीन के हैं या हिंदुस्तान के? सारे पटाखे झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। मैं कल आपकी दुकान पे चलता हूँ, मैं कल आपकी दुकान पे चलता हूँ, आप मुझे दिखाइए हिंदुस्तान के पटाखे कौन से, आप झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। मेरे साथ पर्यावरण भी है, हिंदुस्तानी पटाखे बचेगा नहीं कुछ आपको? इलाज पूछिए पर्यावरण से, 24 किलोमीटर की यमुना आज तक कितनी साफ हुई? अजय जी कौन गंदा करता है? बच्चों के खून में एक बिजनेस लाना चाह रहे हैं, शर्मा। अरे आरपी सिंह को बोलो ना, आरपी सिंह को बोलो गंगा के नाम पे कितना पैसा निकाला, आज तक साफ नहीं हुई। सरकार में ऐसे से बोलेंगे तो सरकार में आरपी सिंह, अगर इस समय एक साथ बोलेंगे तो मैं ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के उस पार हाजिर होते। लेकिन इला में जब मैं लौटूंगा तो मैं जानना चाहता हूँ इला आपसे कि क्या सिचुएशन है, पटाखे चीन से आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, कौन सच बोल रहा है, आंकड़े या व्यापारी? इस ब्रेक के उस पार। डिबेट को आगे बढ़ाते तमाम मेहमान मेरे साथ मौजूद है, रत्नेश जी मैं सीधे आपके पास आना चाहूंगा, आपकी आवाज जरूर जानी चाहिए इस डिबेट में, क्योंकि अगर कोई परेशान हुआ है तो पटाखा विक्रेता हो रहे हैं, पटाखा कारोबारी हो रहे हैं, और ये वाकई में आप जैसे लोगों के लिए एक सदमे वाली स्थिति है। जब दिवाली सर पर खड़ी है, ये दिवाली आपकी चले चाहे दूसरों की अच्छी दिवाली हो जाए, लेकिन आपके लिए वाकई में काली दिवाली का अवसर है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ रत्नेश जी, अभी भी 4 दिन का वक्त बाकी है, इनफैक्ट 6 दिन का वक्त बाकी है, क्या
कोई और तरीका है आपके पास क्या? आप इस फिर से रिव्यू करने की कोशिश करेंगे? आप लोग सरकार के पास जाएंगे, क्या करेंगे आप लोग? देखो, हम सरकार के पास भी जाएंगे, हम सुप्रीम कोर्ट के पास भी दोबारा जाएंगे, क्योंकि उसका कारण है, इससे व्यापारियों का बहुत अधिक नुकसान है। दूसरी बात, या तो बैन खोलते नहीं, अगर इन्होंने खोला तो दोबारा लगाया, उससे व्यापारी फंस गया। हम एक साल से इनकी रिसर्च चल रही थी, जो इन्होंने कहा कि एक्सपेरिमेंट चल रहा है, उस पर इन्होंने खूब डिबेट करी, पॉल्यूशन डिपार्टमेंट से भी करी, हर किसी से करी। एक साल में इन्होंने डिसीजन उसके बाद खोला कि दिवाली तक के लिए बैन खोल दिया गया, दिवाली पर आतिशबाजी की बिक्री होगी, और उसके 25 दिन बाद ही ऑर्डर देने के, इन्होंने 9 अक्टूबर को फिर से बैन लगा दिया, वो व्यापारियों का पैसा सारा ब्लॉक हो गया है। ऐसी स्थिति आ गई है, बहुत से व्यापारी मतलब कुछ कहने की स्थिति में सख्ते में है, बहुत बुरी हालत है उन लोगों की, हम बयान नहीं कर सकते, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट में दोबारा पुनर्विचार खुद से करना चाहिए और पब्लिक के हित में यह फैसला देना चाहिए। इसे कर्मा बोलते हैं सर, क्यों? क्योंकि बच्चों के खून पे, बच्चों के बचपन को छीन के आपने जो एक कारोबार किया है, ये हजारों करोड़ का बिजनेस खड़ी करी है, लेकिन ये किस मैम, इस समय ये कहने का समय नहीं है, क्योंकि समय दीपावली का है, दीपावली नहीं है, आपके पास 365 दिन है, हमारे पास सिर्फ 5 दिन है, दीपावली के लिए सिर्फ हमारे पास 5 दिन है, हमारे पास अगले हफ्ते बृहस्पति दीपावली है। रजनीश जी, इस चैनल पे डिबेट हुए और अजय गौतम जैसे लोगों ने कहा कि भाई नए साल के पटाखों का जो प्रदूषण होता है उससे ऑक्सीजन निकलती है, और दिवाली के पटाखों पर कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। पता, हम तो अगर नहीं, आप तो कैसे कह रहे हैं 5 दिन का बिजनेस है, शादियों का सीजन शुरू हुआ है और कोर्ट ने भी कहा कि 1 नवंबर के बाद बेचे ना आप, गुरु पर्व आएगा, बिल्कुल बैन खोलने, और भी तमाम चीजें आएंगी, तसल्ली करके बैठ गए थे सुप्रीम कोर्ट को बैन नहीं खोलना चाहिए, ये एक्सपेरिमेंट हो रहा है। वारिस पठान, हम लोग पूरे साल पटाखे बेचते हैं, कितने बिकते हैं, पूरे साल पटाखे बेचते हैं आप? वारिस पठान, अगर दिल्ली के एक्सपेरिमेंट से, दिल्ली के एक्सपेरिमेंट से दिल्ली की आवाम को फायदा होता है, क्या ये देश भर में जाना चाहिए एक्सपेरिमेंट? इनका जो नुकसान होने वाला था वो सारे रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने देखे, दोनों साइड को सुना, हियरिंग की, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करना हम सबका फर्ज है, अगर ये एग्रीवेड है तो उनके बड़े बेंच पे जाओ, गवर्नमेंट के पास जाए, लेकिन आज तो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसको पालन करना चाहिए ना। क्या ये बोलना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये सारी चीजों को नहीं देखा था? सुप्रीम कोर्ट ने व्यापारियों के लॉस को देखा, सुप्रीम कोर्ट ने पोल्यूशन की वजह से लोगों को होने वाले नुकसान को देखा, सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों की सेहत पर उसका उल्टा असर होने वाली चीज को मद्देनजर रखा, ओवरऑल चीजों को रखते हुए जस्टिस सिकरी साहब ने आदेश दिया कि 31 अक्टूबर तक के लिए ट्रैकर बैंड रहेगा, क्लियर कट ऑर्डर आपको सबको मानना चाहिए। देखिए, नुकसान धंधे में होता है, हमारी पूरी फिलिंग उनके साथ है जिनका नुकसान होता है, चमड़े वाले लोगों के साथ नुकसान हुआ, हमारी फिलिंग उनके साथ है, भीड़ भाड़ की वजह से जिनका नुकसान हुआ, हमारी फिलिंग उनके साथ भी है, तो फिलिंग सबके साथ होती है। पर आप सुप्रीम कोर्ट को ये नहीं बोल सकते कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर धंधा बंद करने के लिए दिया, सुप्रीम कोर्ट ने अजय गौतम मेरा एक सीधा सवाल आपसे, आप तो धार्मिक गुरु हैं, अपने आप को धर्म गुरु कहते हैं, धर्म क्या सिखाता है? राजनीता धर्म क्या सिखाता है? धर्म देखे कि लोगों को मरने के लिए छोड़ दे। अगर मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, आपने कंस्ट्रक्शन पॉल्यूशन की बात की, आपने वेहिकुलर पॉल्यूशन की बात की, आपने ये प्रक्रिया ना हो, आपने क्या किया? आपने क्या किया? कितनी मुहिम चलाई आपने? कितनी चलाई? एनजीटी के लिए ऑर्डर पास कराया, तो उसका असर नहीं हुआ ना? उसका असर नहीं हुआ ना? तो एक कोशिश हो रही है, आप मुझे बताइए, धर्म गुरु क्या हिंदू मुस्लिम कराता है? धर्म नहीं, धर्म की रक्षा नहीं करता गुरु। आपने खड़े होकर कह दिया कि ये हिंदू मुस्लिम इशू है, आस्था है, धर्म का इशू है, सुप्रीम कोर्ट गए जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना किया, धर्म गुरु ले जाए सुप्रीम कोर्ट की तुलना बेच कर दिखाओ,
आप बेच कर दिखाओ, सुप्रीम कोर्ट अगर हिम्मत है तो कोर्ट के सामने बेच कर दिखाओ, पांच के दो करके दिखाओ, अरे आपका अगर हिम्मत है अगर हिम्मत है करो ना, करो नहीं है छुपो जाओ तो बोलना छोड़ दो, बोलना छोड़ दो, बिना वजह की मैंने हिम्मत लो, जहां सुप्रीम कोर्ट के करके धर्म गुरु देना है, धर्म गुरु अच्छी बात दीजिए, राशिद जी इनको बोलने दीजिए, आप काउंटर करिएगा, लेट मी स्पीक। देखिए जहां कोर्ट नंबर एक है, जहां देश के सर्वोच्च न्यायाधीश बैठते हैं, प्रधान न्यायाधीश बैठते हैं, जिस कुर्सी पे, उसके ऊपर एक तख्ती लटकी हुई है सर, उस पे लिखा हुआ है यतो धर्मस्ततो जया। सुप्रीम कोर्ट का जो ऑफिशियल लोगो है उसमें भी लिखा हुआ है यतो धर्मस्ततो जया, यानी कि धर्म की रक्षा करने के लिए जो धर्म हमें सिखाता है, विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका की स्थापना हुई है, ये सुप्रीम कोर्ट के लोगों धर्म हो तब अरे सुन तो लीजिए, पटाखा धर्म नहीं है, धर्म पटाखा धर्म नहीं है, हम यही तो कह रहे हैं, हम यही तो कह रहे हैं, सारा हिंदुस्तान यही कह रहा है पटाखा धर्म नहीं है, कल्चर है, कहां से जोड़ रहे हैं उसको, कल्चर धर्म हो गया, ट्रेडिशन कल्चर धर्म हो गया, अगर कल्चर अगर कल्चर ट्रेडिशन कहां से आता है, अगर कल्चर लड़का लड़की की लड़के लड़के की शादी है तो क्या इसको कर देंगे आप, हाँ मुझे बताइए ना, अगर कल्चर लड़के और लड़की की शादी को कहता है कि करो कुर्बानी, नबी ने अपने लड़कों को दी थी, ये तो धर्म है, हेड की क्यों देते धर्म है, ईद उल फितर में पहली कुर्बानी नबी ने अपने लड़कों की दी थी, आप धर्म है, कुर्बानी धर्म है, कुर्बानी धर्म है, अजय गौतम आप फिर कुर्बानी धर्म है, पटाखा धर्म नहीं है, ईद उल फितर पे पटाखा धर्म नहीं है, आज आप एक्सपोज हो गए, आज आप एक्सपोज हो गए, आज आप एक्सपोज हो गए, हिंदू धर्म को एक्सपोज हो गए, ये धर्म नहीं है, पटाखा धर्म नहीं है, अजय गौतम मुझे साबित करो, अजय गौतम एक किताब से साबित करो, और इला का जो फैमिली बैकग्राउंड है वो वाकई में गौरतलब करने वाला है। इला मैं चाहूंगा अपने बारे में बताइए कि आपका कौन किस किस धर्म को मानती हो, फिर अपनी बात कहिए आप, ये जानना जरूरी है इस देश के लिए। बिल्कुल, मेरे दादा कैथोलिक थे, मेरी दादी एक मुसलमान थी, और मेरे नाना मेरी मतलब मेरी मदर के फादर एक हिंदू थे, और ये सब आप जो बोल रहे हैं ये सब ठीक है, लेकिन मैं बस ये पूछना चाहूँगी कि मैंने कुरान शरीफ पढ़ी है, मैंने रामायण सुनी है बचपन से लेकर आज तक, और मैं चर्च भी जा चुकी हूँ, मुझे सारे धर्मों के बारे में काफ़ी कुछ पता है, लेकिन मेन मेरा ये मानना है कि धर्म हमारे ज़िंदगी में क्यों लाया जाता है बचपन में, ताकि हम सुखी रहें, ताकि हम जब हम किसी भी ऐसी स्थिति में पढ़ते हैं कि हम जा सकते हैं और भगवान से बिल्कुल रास्ता भगवान से रास्ता ढूंढ सकते हैं, मदद करने के लिए, और आप रिलीजियस लीडर्स हैं, आप रिलीजियस लीडर्स हैं, आपकी बात करोड़ों लोग मानते हैं, आप इतना गुस्सा कम्युनल हेट्रेड धर्म लड़ाने के लिए नहीं है, क्यों आप क्यों कर रहे हैं ये सब, कम्युनल हेट्रेड नहीं है, मुझे चिंता और हिंदू धर्म एक आंसू रोएंगे क्योंकि उनके आरपी सिंह पानी मनाने के लिए पैसा नहीं है, अजय गौतम एक जमाना है, अजय गौतम फिर बोलने का मतलब एक 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 आरपी सिंह, एक और शब्द बोलना चाहूंगी, हिंदू धर्म एक वैज्ञानिक धर्म है, आप ये मानेंगे, इट्स साइंटिफिक, हर एक चीज, हर एक रीति रिवाज एक साइंटिफिक वजह से है हमारे हिंदू धर्म। आरपी सिंह इस बात में तो कोई दोष नहीं, मैं बोलूंगी ये भी बोलूंगी कि अगर वो हवन में अगर सुनेगा तो बोलूंगा तो नहीं बोलूंगा, अगर आप ओवरलैप करेंगे तो मैं नहीं बोलूंगा जी, बोलिए, बड़ी स्पष्ट बात सुनिए, बड़ी बस स्पष्ट बात सुनिए, आपने कहा आप कैथोलिक हैं, आप चर्च में जाती हैं, आप इस्लाम को आप कुरान पढ़ती है, सारी बातें ठीक है, मैं तो रोज सुबह अरदास में बोलता हूँ पवन गुरु पानी पिता माता धर्म महत, हम तो रोज कहते हैं, इसलिए मैंने कहा क्योंकि ये प्रदूषण हवा का है, कोर्ट को दिख रहा है, जो प्रदूषण पानी में हो रहा है वो नहीं दिख रहा, बिल्कुल दिख रहा है, बहुत ज्यादा होता है, मैं पूजा करती हूँ, मुझे डर लगता है, मैं गंगा जल पीती हूँ, चुनौती दे रहे हैं, कोर्ट को चुनौती दे रहे हैं आप, एक मिनट सुनिए, जो प्रदूषण पानी में होता है और एक मिनट सरकार में होते हुए कोर्ट को चुनौती दे रहे हैं आप कोर्ट को चुनौती दे रहे हैं सरकार में होते हुए, आपको नहीं बोलना चाहिए कोर्ट पर, इसका मतलब ये कोर्ट को मानते नहीं है आप, साफ कह दीजिए ना सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते, नहीं आप कह दीजिए हम सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते, नहीं करेगी।
इन पटाखा बेचने वालों की मदद आप करेंगे कि नहीं करेंगे? उसको लागू आरपी सिंह मदद करेंगे कि नहीं करेंगे? आरपी सिंह मदद करेंगे कि नहीं करेंगे? चार बार पूछ चुका हूँ और पांचवी बार में आप जवाब नहीं देंगे तो मैं मान लूंगा मदद नहीं करेंगे। आरपी सिंह पटाखा विक्रेताओं की मदद करेंगे कि नहीं करेंगे सरकार के तौर पर? हम मैं तो कह रहा हूँ कि जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने किया वो गलत किया, नीजर रिएक्शन है। अगर उनको करना था तो पूरा बैन 12 साल लागू रखे और सिर्फ चलिए। शुक्रिया तमाम मेहमानों का इस डिबेट में जुड़ने के लिए शुक्रिया। भारतीय जनता पार्टी जिस स्थिति में इस वक्त फंसी हुई है वो समझी जा सकती है। कोर्ट के खिलाफ बोल नहीं पा रहे हैं, पब्लिक डिबेट में स्टैंड लेते हैं, लेकिन कोर्ट में खड़े होकर इन पटाखा विक्रेताओं की बचाव में नहीं आ पा रही है सरकार। आज कोर्ट की प्रोसीडिंग के दौरान एक भी सरकारी वकील मौजूद नहीं था। क्यों? क्यों सरकार चुप है? सरकार की अपनी जवाबदेही से बच सकती है इस पूरे मामले पर? फिलहाल तमाम मेहमानों का शुक्रिया। सीधे किशोर के पास सौ बात की एक बात।